राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आगामी 9 मार्च को होने वाले इस साल के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूरी कर ली गई है। 9 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आज DLSA के सचिव उमेश प्रसाद ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी कर ली गई है। 9 मार्च को साल का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसके बाद 11 मई 14 सितंबर और फिर 14 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार भागलपुर सिविल कोर्ट में 18 बेंच, नौगछिया में 5 बेंच और कहलगांव में 1 बेंच, कुल 24 बेंच पर सुनवाई की जाएगी, जिसमें 75,000 केस के नोटिस जारी किए गए हैं, साथ ही 31,000 बैंक के केस भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने बताया पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत में ग्राम कचहरी के भी मामले सुने जाएंगे, वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें पहला लोक अदालत 9 मार्च 2024 है, दूसरा लोक अदालत जो है 11 मई 2024, तीसरा लोक अदालत जो है 14 सितंबर 2024 और चौथा और अंतिम लोक अदालत है 14 दिसंबर 2024 है। और नालसा के डायरेक्शन में चलने वाला एक नेशनल लोक अदालत जो है जो भागलपुर में 9 मार्च को किया जा रहा है, इसमें टोटल 24 बेंच का गठन किया गया है, जिसमें जो है 18 बेंचेज जो है भागलपुर में है, 5 बेंच जो है नौगछिया कोर्ट में है सब डिविजन कोर्ट में, और कहलगांव में 1 बेंच का गठन किया गया है। और इस लोक अदालत के लिए हम लोग जो टोटल जो है बैंक के जो केसेस हैं वो लगभग 31,000 बैंक के केसेस को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसको जिसमें कंप्रोमाइज होने की संभावना है जो है, और कोर्ट में जो है 9,375 केसेस को आइडेंटिफाई किया गया था जो है, जिसमें 75,000 केसेस में जो है ये नोटिस इशू किया गया है, और ये नियर अबाउट लगभग 25,000 जो है पक्षकारों को नोटिस इशू किया गया है। इस लोक अदालत के लिए जो है बैंक के द्वारा 31,000 नोटिस इशू किए जा चुके हैं, और इस काम में जो है कि हमारे पैरालीगल वॉल्टियर्स इसमें लगे हुए हैं, थाने के प्रभारी भी लगे हुए हैं जो है, प्रशासन की तरफ से हम लोगों को पूरा सहयोग मिल रहा है, प्रशासन के द्वारा भी जो है अपने स्तर पर प्रचार प्रसार कार्यक्रम कराया जा रहा है जो है। और इस बार पहली बार जो है ग्राम कचहरी के मामले को भी इसमें लिया जा रहा है, कि ग्राम कचहरी में जो मामले होते हैं छोटे मोटे मामले होते हैं, जिसके लिए कंपाउंडेबल ही मामले होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में नहीं कबूल होता था, लेकिन इस बार हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया है कि ग्राम कचहरी के जो मामले हैं उन मामलों को भी लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करा जाए। भागलपुर की नौगछिया पुलिस का वीडियो एक बार फिर वायरल हो रहा है। दिन दहाड़े मवेशी व्यवसायियों से अवैध वसूली का यह वीडियो है। वीडियो में दिख रहा पुलिस कर्मी हाईवे पर पेट्रोलिंग के लिए लगाए गए थे, लेकिन वो वहां वसूली करने लगे। मवेशी लदी छोटी गाड़ियों से 100 और बड़ी गाड़ियों से 500 लेते हैं पुलिस कर्मी। शनिवार, रविवार और सोमवार को चलता है वसूली का खेल। नौगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर के NH पर वसूली करते हाईवे पेट्रोलिंग के पुलिस कर्मी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें इससे पहले भी NH पर मवेशी व्यवसायियों से वसूली का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पूर्व में SP ने कार्रवाई भी की थी। सर, यानी कि हाईवे पेट्रोलिंग में जो कि जहां तक देखा जा रहा है कि यहां वसूली की भी की जा रही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई दूसरा अच्छी करता होगा, ये हम लोग हैं, मतलब चूँकि 10 मिनट यहाँ ठहरे, 10 मिनट वहाँ ठहरे, चूँकि यहाँ से खगड़िया तक ले है, खगड़िया से सतीश नगर से वहाँ तक ले, तो हम लोग टेकअप चूँकि करते रहते 10 मिनट यहाँ, ठीक है, मालिन रोड में एक्सीडेंट हुआ, तुरंत ला दे अपनी गाड़ी से, तुरंत हॉस्पिटल जो नज़दीक हो, नारायणपुर हो, हॉस्पिटल का नंबर है, पदाधिकारी का नंबर है, संपर्क करके सर हालांकि एक्सीडेंट होगा। भागलपुर के समीक्षा भवन में मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के तहत 1,148 लोगों के खाते में 50,000 की राशि दी गई, जिससे उद्यमी अपना रोजगार प्रारंभ कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। कार्यक्रम समीक्षा भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी के साथ DDC और संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। DM नवलकिशोर चौधरी ने कहा कि इस मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत 1,148 लोगों के खाते में 50,000 की राशि ट्रांसफर की गई है। छोटे छोटे उद्यमी को ऊपर उठाना हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिससे व्यवसाय का माहौल पैदा हो और लोगों को रोजगार मिले और उनका उत्थान हो। वही जिलाधिकारी ने सिंबॉलिक तौर पर 5 लोगों को यह राशि प्रदान की, बाकी लोगों की राशि उनके खाते में शाम तक पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत आज हमारे भागलपुर जिले से कुल 1,148 लोगों को करीब 50,000 की राशि सभी के खाते में अंतरित की जाएगी। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो लघु उद्यमी है, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उनको हमें ग्रो कराना है, ताकि हमारे यहाँ एक बिज़नेस का माहौल पैदा हो।
और दूसरी बात है कि लोगों को रोज़गार मिले, फिर उसके जो ट्रिकलिंग डाउन थ्योरी के तहत और जो छोटे जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए सभी लोगों का उत्थान हो, इसी के तहत आज आप देख रहे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पटना से कई लाभुकों को राशि वितरित किया गया है और भागलपुर में भी हम लोगों ने सिंबॉलिक तौर पर 5 लोगों को यहाँ से वितरण किया है, साथ ही से सभी लोगों को उनके खाते में राशि आज ही अंतरित की जाएगी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के आदमपुर चौक स्थित नवयुग विद्यालय के समीप जोगसर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर एक निजी मकान से काफी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने मकान में छापेमारी की, इस दौरान गोदरेज में अलग अलग ब्रांड के 100 बोतल विदेशी शराब पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि होली में खपाने के लिए शराब मंगाई गई थी। पुलिस ने मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। देखो मेरा दिमाग का उपज है, जानते हो कल से हमारे राजन को बतावा। देखिए 3 गो गोडल था अंदर मुद्दर से, इस मेरा दिमाग का उपज, अगर मैं नहीं दिमाग लगाता तो आज मैं नहीं पकड़ा था। सर वीडियो बनाने के लिए भागलपुर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जिले के सभी मंदिरों को सजाया जा रहा है। शहर के आदमपुर चौक स्थित शिव शक्ति मंदिर को विशेष तौर पर सजाया जा रहा है। लगभग सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। शिव शक्ति मंदिर में 10 क्विंटल लड्डू से भोलेनाथ को भोग लगाया जाएगा। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर भागलपुर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। सभी मंदिरों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बालों को तैनात किया जाएगा। DJ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अर्धसैनिक बल के जवानों को भी भागलपुर बुलाया गया है। महाशिवरात्रि में तो विशेष होता ही है, शिव सभा के मिलने से ही प्रजनन क्रिया आरंभ रहता है। उस दिन विवाह होगा रात्रि में और सुबह से ही श्रद्धालुओं के लिए 4 बजे से मंदिर खोल दिया जाएगा। सरकारी पूजा के बाद, दिन भर पूजा के बाद विवाह होगा, रुद्राभिषेक होगा, 24 घंटा का अखंड महामृत्युंजय हवन होगा। उधर पीछे लड्डू का तैयारी चल रहा है 10 क्विंटल, वो पब्लिक बीच वितरण होगा। चूड़ी लैठी सिंदूर वितरण होगा दूसरे दिन। देखिए महाशिवरात्रि जो कि 3 दिन बाद अर्थात 8 मार्च को मनाया जाएगा, जिसमें कि कई शोभा यात्रा निकलने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है। तो उनके आयोजकों से जो हमारे थाना अध्यक्ष हैं लगातार संपर्क में है और उनका विधिवत कंडीशन के साथ लाइसेंस इशू किया जाएगा, जिसमें कि निकलने का समय, समाप्त होने का समय और किस रूट से पूरी शोभा यात्रा निकलेगी उसका पूरी विवरणी होगी। और इसके साथ ही साथ जो DJ पर प्रतिबंध है वो जारी रहेगा और इसमें लाइसेंसेस निर्गत किए जाएंगे। जो भी आयोजक होंगे उनका सारा डिटेल और विवरणी रखी जाएगी और इसको लेके भी हमारी तैयारी लगातार चल रही है। हमें एक अर्धसैनिक बल की कंपनी भी प्राप्त हुई है, जिसको लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र तो उसका भी हम लोग रूट मार्च एरिया डोमिनेशन लगातार चल रहा है, जिससे कि जो ये पर्व है उसको हम लोग शांतिपूर्वक संपन्न करा सकें। बिहार सरकार द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई भागलपुर की समाज कल्याण विभाग द्वारा आज जागरूकता रथ निकाला गया। यह जागरूकता रथ सभी गांव कस्बे में जाकर बाल संरक्षण के तहत होने वाले कार्यों के बारे में और सामाजिक कल्याण विभाग के तहत होने वाले कार्य के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। इस जागरूकता रथ का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर किया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस जागरूकता रथ का मुख्य उद्देश्य है लोगों तक योजनाओं के बारे में छोटी सी छोटी बातें पहुँचाना। आज भी कई लोग सरकार की कई योजनाओं के बारे में नहीं जानते, इस जागरूकता रथ के माध्यम से लोग सरकार की योजनाओं को जानेंगे तभी इसका लाभ उठा पाएंगे। जिला बाल संरक्षण इकाई भागलपुर के द्वारा
जो समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत आता है, उनके द्वारा आज अपने योजनाओं के संबंध में लोगों को जागरूक करने हेतु आज रथ का रवाना किया गया है। इसमें सरकार की कई योजनाएं हैं जो आम लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं, जिसके कारण से लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जैसे परवरिश योजना है, या एक सहायता योजना है, और फिर है कन्या विवाह योजना है। इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस रथ को रवाना किया गया। बांका थाना में होमगार्ड के जवान के पद पर कार्यरत फंटूस कुमार की पिपरा हॉल के पास ट्रेन की चपेट में आने से उसके दोनों पैर कट गए। इलाज के लिए उसे पटना रेफर किया गया था, लेकिन उसकी स्थिति काफी नाजुक होती चली गई, जिसके बाद पुनः मायागंज अस्पताल में उसे इलाज के लिए लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। होमगार्ड जवान बांका जिला के बांका थाना में होमगार्ड की पोस्ट पर कार्यरत था। वहीं परिजनों ने मामले में थाने की लापरवाही बताई है। भागलपुर के सोलंकी डिफेंस एकेडमी में 46 बच्चों का आर्मी जीडी में सिलेक्शन हुआ है। इसको लेकर पूरी एकेडमी में खुशी की लहर थी। सभी चयनित बच्चों को सोलंकी डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर ने फूलमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि डिफेंस की तैयारी में हमारे संस्थान 100% बच्चों को चयन करने में अपनी भागीदारी रखती है। हमारे यहाँ बिहार के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल के बच्चों से भी बच्चे तैयारी के लिए पहुँचते हैं। वहीं एक माँ का अपनी बेटी की आर्मी जीडी में नौकरी पाने की खुशी में आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरा बेटा अब इस देश के लिए सेवा करेगा। कोई नहीं बोलता है मेरा बेटा नौकरी करेगा गांव में। सब नौकरी सर जी के बहुत धन्यवाद सर, मेरा लिए भगवान है सर। हाँ बहुत खुश है। कभी नहीं सोचे हैं कि बेटा बनेगा। सोलंकी में जब आया था सोलंकी में बहुत अच्छा है। मैं सोलंकी डिफेंस एकेडमी 40 दिन पहले आए थे भर्ती होने के, और मैं भारतीय सेना में चिकित्सक सहायक के रूप में सैनिक के रूप में चयनित हुआ। कैसा ट्रेनिंग था सर का? ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा रहा। हमारे साथ सर ने फिजिकल ट्रेनिंग दिया, और बहुत मैं तो बहुत कमजोर बच्चा था, मैं सबसे पीछे आता था, फिर भी मैंने सिलेक्शन को लिया। हमारे लिए इससे बढ़ के कोई गर्व की बात हो ही नहीं सकती। यहाँ का ट्रेनिंग सबसे अलग, सबसे हटके है। यहाँ सर बहुत अच्छे तरह से ट्रेनिंग देते हैं। हम सभी बच्चे से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो भी दूसरे जगह भटक रहे हैं या सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ जल्द से जल्द सोलंकी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करो और अपना लक्ष्य को हासिल करें। आज बड़ी खुशी के साथ मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा, जो रिजल्ट अग्निवीर का जो हुआ कटिहार एयरो रैली में, सोलंकी ने जैसे कि आप लोग हर वर्ष रिजल्ट 100% सोलंकी का रहा, इसी वर्ष अग्निवीर का भी सिलेक्शन उसी प्रकार रहा, जो कि जनवरी में इसका भर्ती का शुरुआत किया गया था और इसका परिणाम 27 फरवरी को दिया गया, जिसमें सोलंकी डिफेंस एकेडमी के 46 बच्चों ने बाजी मारी है, जिसमें कि दूर दूर के यहाँ से बच्चे हैं, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह के बच्चे यहाँ पे आते हैं। और आज मैं काफी गर्व से महसूस कर रहा हूँ कि अग्निवीर के जितने भी बच्चे आए थे वो 50 में से 56 में से 46 का सिलेक्शन हुआ।